नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी छठी प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, जिसमें अपने दो भाग कर लिए थे। आज अपन इसका करेंगे तीसरा और अंतिम भाग। तो देखो, अगर आपने पीछे वाले भाग नहीं देखे हैं तो पहले भाग में इसका बेसिक समझाया गया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखना है। फिर उसके बाद दूसरा भाग और आज अपन करेंगे इसका तीसरा भाग। तो अगर आपने तीनों भाग लगातार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रश्नावली से, इस जो प्रश्नावली में से एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखो, पीछे वाले जो अपने वीडियो तक अपने बात कर ली थी 15 सवाल तक, आज अपन इसका करेंगे 16वां सवाल। देखो 16वां सवाल क्या दिया हुआ है, इसमें LHS और RHS आपको दिया हुआ है, सामने भी RHS में देखो इस तरह से दिया हुआ है कि इसको भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा तो आपको सामने एक तरह से कह सकते हैं उत्तर ही दिया होता था, इस बार क्या है, इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके LHS को हल कर लेते हैं। LHS क्या है, पहले LHS को आपको लिखना होता है एक बार में, साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30। ये तो LHS है, जैसे जैसे लिख लिया। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले स्टेप में जो LHS दिया वैसा का वैसा लिख दो, दूसरे स्टेप में आपको सारणी से देख के मान रखने हैं। तो सारणी से देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ऐसे नीचे वाले वापस साइन 60 √3/2 प्लस माइनस साइन 30 1/2। अब आगे क्या करना है, देखो ऊपर और नीचे दोनों में अलग अलग लघुतम लेना है। ऊपर वाले भाग में लघुतम लिया तो 2, देखो दोनों लघुतम इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, एक जैसी संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1। बट्टे में देखो इसमें भी एक जैसा लघुतम आ रहा है तो इसमें भी लघुतम 2, ये भी आएगा √3 - 1। जब लघुतम की संख्या एक जैसी होती है तो ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी आती है, और बीच में जो चिन्ह होता है वही लगा के, देखो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो √3 + 1 कर देंगे। इसमें भी 2 और 2 है तो √3 - 1 कर देंगे। अब आपको पता है कि जब डबल बट्टे में संख्या आती है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, उल्टा गुणा में ऊपर वाली संख्या के साथ लिखते हैं। तो √3 + 1/2 इसको उल्टा गुणा करेंगे, 2/√3 - 1। देखो ये √3 - 1/2 था, इसको उलट दिया तो ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास, √3 + 1/√3 - 1। ठीक है, ये देखो √3 - 1 यहाँ कटा तो 1 बचा 1, इसको 1 से गुणा करेंगे वही संख्या, इसको 1 से, ये LHS करने पर, इतना हल करने पर आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, LHS तो पूरा हो गया, अब RHS को भी थोड़ा हल करके देख लेते हैं। RHS आपको जो दिया हुआ है वो ये है, √10 + 10 = 45 / √10 - 10 = 45। आपको क्या करना है, RHS को लिख लिया, लिखने के बाद में इसका मान रख देंगे सारणी से। आपको पता है सारणी से देखेंगे टेन 60 का मान कितना होता है, √3 प्लस, बीच में प्लस प्लस लगाया, टेन 45 का मान कितना होता है, 1/10 - 60 का मान फिर से √3 और माइनस का, ये बीच में माइनस लगा हुआ है, 10 - 45 का मान 1। देखो अब LHS क्या था, यही √3 + 1/√3 - 1 LHS कॉल किया, ऐसे ही अपन RHS कॉल करने पर यही आया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये आपको सिद्ध करना था, आपने बराबर कर दिया, यानी दोनों के उत्तर आपके हल करने पर बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से आप दोनों को हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये था आपका 16वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 17वां सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, 2 cos² 45 + 10² 60 - 6 sin² 45 - 10² 30। आपको बराबर लाना है 6 के, यानी इसको आपको हल करके उत्तर लाना है 6। तो मैंने क्या किया, इसका LHS लिख लिया। LHS क्या है, 2 cos² 45 + 10² 60 - 6 sin² 45 - 10² 30। ये आपका RHS है, वैसे LHS है, वैसे वैसे लिख लिया। अब क्या करना होता है, अगले स्टेप में इसका मान रखना है। तो देखो 2 cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर लिखना है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 10 60 का मान क्या होता है, √3 और इसका स्क्वायर। पहला जो ब्रैकेट है इसको हल किया, इसी तरह दूसरे कॉल करेंगे 6 बाहर ऐसे कैसे, साइन 45 का मान कितना होता है सारणी से, 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस जो 10 30 होता है इसका मान होता है 1/√3 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये तो अभी तक मान रखे हैं, मान रखने के बाद पहले स्टेप में आपको करना है इसका वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1,
अंडर रूट दो का स्क्वायर होता है 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 6। यहां देखो 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। दोनों लघुतम के अपन दोनों ब्रैकेटों के क्या ले लेंगे लघुतम, ये 2 का 2 इसके देखो बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ये 2 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 ये इसके गुणा में जाएगा। देखो दो लघुतम लिया एक का पाड़ा दो बार बोलने पर तो इसके साथ दो गुणा में माइनस 6। यहां हल करेंगे तो इसका लघुतम देखो दो और तीन का लघुतम कितना आता है 6 तो एक गुणा दो का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 6 आएगा 3 बार तो ये 3 लिखा बीच में माइनस है माइनस लगा ये 1 ऐसे कैसे लिखा। तीन का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 2 बार तो ये इसका हल हो गया। अब देखो इसको हल कर लेते हैं एक को एक से गुणा किया 1 3 को 2 से किया 6 बटे 2 माइनस 6 एक को 3 से गुणा किया 3 एक को 2 से गुणा किया 2 बटे 6। अब देखो ये 2 गुणा में 2 पूरे के भाग में इससे कट ये 6 इससे कट गया तो क्या बचा देखो 6 प्लस 1 7 और ये 3 माइनस 2 1 तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 जो अपना क्या था यही था अपना RHS। ठीक है तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। देखो सीधा आपका उत्तर आ जाएगा इस तरह से। तो देखो सवाल में क्या किया देखो सबसे पहले तो आपको LHS लिख लेना है। LHS लिखने के बाद में सारणी से देख के मान रखने हैं। मान रखने के बाद में अगर वर्क करना है तो पहले वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद में अगर बट्टे में संख्या आ रही है तो उसका लघुतम लेंगे। लघुतम लेने के बाद में अगर कोई संख्या गुणा भाग में कट रही है तो उसको काट के फिर हल करेंगे तो अपने पास जो RHS है वो आ जाएगा। तो ये था इसका 17वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 18वां सवाल। 18वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर आपको उत्तर लाना है 10 यानी RHS बराबर 10 सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे पहले जो LHS है वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस 10 45 ये जो मान है आपको सारणी से देख के अब अगले स्टेप में क्या है आपको सारणी से देख के मान रखने हैं। अब आपको सारणी साथ में लेके बैठेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में भी। तो देखो मान रखते जाओ sec 30 का मान कितना होता है sec 30 का होता है 2 बटे अंडर रूट 3 और इसका क्या करना है स्क्वायर। फिर sec 45 sec 45 का मान कितना होता है अंडर रूट 2 और इसका भी क्या करना है स्क्वायर। देखो सारणी से देख के मान रखे हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 cos 60 का मान कितना होता है 1 बटे 2 प्लस 10 सॉरी sin 90 का मान कितना होता है 1 फिर tan 45 का भी मान क्या होता है 1 sec 90 का भी मान 1 होता है tan 45 का भी 1 होता है सारणी से देखिए। ठीक है अगले स्टेप में देखो क्या करना है स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ये पहला ब्रैकेट हल हुआ है। दूसरे ब्रैकेट में देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहां कटने के बाद में क्या बचा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 तीन बार एक बार एक एक प्लस एक प्लस एक किया गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन लघुतम ले लेते हैं। ठीक है तो लघुतम कितना आ जाएगा 3 तो 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 सॉरी 2 गुणा 3 3 का पाड़ा एक बार बोलने पर आता है इसलिए 1 गुणा में 1 लिखा है 3 का पाड़ा 1 का पाड़ा 3 बार बोलने पर आता है 3 तो यहां 3 लिखा है। ठीक है और गुणा में क्या बचा हुआ यहां पे तीनों को जोड़ लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब देखो इसको हल करते हैं तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 बटे 3 और गुणा में कितना रखा हुआ है गुणा में है 3 देखो 4 और 6 कितने हो गए 10 बटे 3 गुणा 3 अब ये 3 से 3 काट सकते हैं चाहे तो अपन 3 से 3 यहां भी काट सकते थे लेकिन यहां काटा तो उत्तर कितना आ गया 10 ये अपना क्या है RHS। तो क्या लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। देखो सिंपल सा सवाल है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सवाल देखो ऐसे दिखने में बड़ा दिखेगा उससे देख के डरना नहीं है। सवाल में सीधा सीधा देखो LHS लिखो उसके अंदर मान रखो। मान रखने के बाद आप हल करेंगे तो देखो सवाल दिखने में इतना आपको लग रहा था कि हार्ड है लेकिन देखो इतने से 3-4 स्टेप में सवाल कंप्लीट हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 19वां सवाल। देखो क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 आपको बराबर लेके आना है 7 बटे 4 यानी उत्तर लेके आना है 7 बटे 4। तो सबसे अपन क्या करेंगे पहले LHS लिख लेंगे। LHS बराबर कितना है 1 माइनस
साइन 45 प्लस साइन 30, ये आपको पहले ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60, ये आपको LHS दिया हुआ है। LHS में बराबर वाली संख्या नहीं लिखते हैं क्योंकि वो होता है अपना RHS, ठीक है। अब आपको अगले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप LHS लिखना, उसके बाद में क्या करते हैं, सारणी से देख के मान रखते हैं। तो मान रखते जाओ, 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, पहले ब्रैकेट के मान रख दिए। साइन 45 का सारणी से मान देखेंगे तो 1/√2 प्लस, बीच में प्लस लगा हुआ है प्लस लगाया, साइन 30 का मान 1/2। इसी तरह अपन दूसरे ब्रैकेट कॉल करेंगे, बीच में कोई चिन्ह का मतलब आपस में गुणा में है, 1 की जगह 1 लिखा प्लस, कॉस 45 का मान देखेंगे सारणी से तो 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान सारणी से देखेंगे तो 1/2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो क्या किया, सारणी से देख के मान रखा है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेटों के अलग अलग लघुतम ले लेते हैं। यहां लघुतम लेना आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या चीज लेना, लघुतम लेना। तो देखो लघुतम लेंगे, ठीक है, तो लघुतम में देखो कौन कौन सी संख्या है, ये एक है, √2 है और 2 है, यानी 2√2, हालांकि इसके गुणा में 1 भी है, ठीक है। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं 1 आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो लघुतम लेंगे, पहले इस 1 के गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में कौन सा है 1 है, इसको हटा दो, बाकी इसके गुणा में आएगा 2√2, तो मैंने लिख दिया 2√2 माइनस, यहां इसके बट्टे में क्या √2, तो √2 हटा दो, 2 को 1 से गुणा करो 2 आएगा, प्लस यहां पर इसके बट्टे में देखो क्या है, इस 1 के गुणा में क्या आएगा, यहां पर क्या है बट्टे में 2, हालांकि ऊपर 1 है गुणा में, लेकिन 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ रही है इसलिए सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 है तो इसको 2 हटा दो, तो √2 बचा, तो यहां पर आ जाएगा √2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यह है, दूसरे ब्रैकेट में सेम का सेम लघुतम 2√2। अब देखो यहां पर तो दोनों ही संख्या आएगी 2√2 प्लस यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर अपन हल करेंगे तो यहां √2 पड़ा है बट्टे में तो 2 आएगा, प्लस यहां पर क्या आएगा, बट्टे में 2 है तो √2 आएगा, जो बट्टे में होता है उसको हटा के जो संख्या बचेगी वो ऊपर वाले के साथ गुणा में आ जाएगी। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 2√2 ये रहा और 1√2 ये, तो ये हो गया 3√2, कितना हो गया 3√2, ठीक है। और प्लस में बचा हुआ है, सॉरी माइनस में बचा हुआ है 2, माइनस में क्या बचा हुआ है 2 और बट्टे क्या है 2√2, गुणा में बचा हुआ है दूसरे में देखो भी फिर भी ये ऐसे ही है 2√2 और 1√2 ये रहा, तो ये हो गया 3√2 प्लस में 2 बट्टे 2√2, ठीक है। अब आपको यहां थोड़ा सा समझाऊं मैं, तो आप यहां पर देखेंगे ये 2√2 ये 2√2 नीचे नीचे वाले की गुणा होती है ऊपर ऊपर वाले की, तो नीचे नीचे वाले की गुणा होगी तो देखो क्या हो जाएगा 2√2 गुणा 2√2, ऊपर वालों की देखो 2√2 3√2 माइनस 2 और 3√2 प्लस 2। यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है ऊपर वाले में कि ये एक बार संख्या अगर माइनस में हो और एक बार प्लस में हो तो अपन कौन सा सूत्र लगा देते हैं बीज गणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सूत्र आप ऊपर वाली संख्या में लगा दो यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की, ठीक है। अगर ये आपने समझ सीख लिया कि यहां पर ऊपर वाले में ये लगाना तो फिर तो बिल्कुल आसान हो गया। देखो ऊपर वाले में क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान क्या है 3√2, तो मैंने यहां लगाया 3√2 का स्क्वायर, ये तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है 2, बी की जगह 2। अब नीचे वाले की गुणा करते हैं, इस 2 को संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 4, ध्यान देंगे यहां पे, और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2, ये आ गया 2। अब आगे हल करते हैं, देखो अब इसका करते हैं स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे √3√2 गुणा 3√2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, 3 को 3 से गुणा किया 9, √2 को √2 से गुणा किया 2, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो इसका वर्ग करने पर आया 18 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4 बट्टे 8 बटे 4 को 2 से गुणा किया 8, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 4, अब 18 में से 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं 14/8, कितना आया 14/8, इसको अपन 2 के पारे से काट सकते हैं 2 × 8 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 7/4, और यही क्या है अपना RHS, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। देखो इस सवाल में एक स्टेप थोड़ा सा लेवल हाई का आ गया, क्या
कि यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगाना है। दोबारा से देख लेते हैं, आपको सबसे पहले दो देखो दोनों ब्रैकेटों के सारणी से देख के मान रख लेते हैं। मान रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर लेना है लघुतम। लघुतम लेने के बाद में ये भी देखो अंडर रूट वाली संख्या, ये भी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी और ये दोनों, तो तीन अंडर रूट दो हो जाएगा। दो अंडर रूट दो ये रहा, एक और अंडर रूट ये रहा, तो तीन अंडर रूट दो, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में देखो ऊपर ऊपर वाली संख्या की गुणा और नीचे नीचे वाले गुणा, तो इसको गुणा में लिख दिया। लेकिन ऊपर वाले में सूत्र बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे वाली को तो सीधी सीधी गुणा करनी है क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी से ये सूत्र बन गया तीन अंडर दो का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, बट्टे में इसको गुणा किया, दो को दो से गुणा करने पर चार, अंडर दो को अंडर दो से गुणा करने पर दो, आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आठ। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि तीन अंडर दो का वर्ग कैसे करेंगे, तो ये देखो तीन अंडर दो का आपको वर्ग करके बताया कितना आएगा 18, तो इसकी जगह 18 माइनस 4 बटे 8, इसको आगे हल करके देखेंगे तो अपने जो आरएचएस है वो आ जाएगा। तो ये था इसका 19वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका 20वां सवाल, सिद्ध करने में ही अंतिम सवाल है इसके बराबर, ये जो अपने सिद्ध करने वाले सवाल चल रहे थे वो सवाल है। देखो इसमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 0 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60। तो ये भी हल करना पड़ेगा आपको, ये भी हल करना, पहले अपने को क्या करना होता है एलएचएस को हल करना है। तो एलएचएस को हल करेंगे तो देखो पहले एलएचएस को लिखना पड़ता है कॉस स्क्वायर 0 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 90 का मान रख दिए सारणी से, cos 0 का मान, cot 30 का मान और cosec 90 का मान। इनके साथ जो गुणा में है वो वैसे के वैसे पड़ा है, देखो इसके साथ 3 है तो ये रहा 3, इसके साथ 2 है तो 2 ये, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2 गुणा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1, आपस में गुणा कर लो 1। अब देखो जो गुणा में होते हैं ना, पहले गुणा करना, ऐसा नहीं है 1 में से 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल। पहले इनको गुणा कर लो, 1 2 को गुणा किया 6 प्लस 3 को किया 3, हल किया तो कितना आ गया, ये देखो 1 प्लस का है और 3 प्लस का है तो 4 माइनस 6। अब अपने को पता है 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, कितना है माइनस का 2। अब अपन लेते हैं इसका आरएचएस, क्या लिया है आरएचएस, आरएचएस पहले है जैसे जैसे लिख दो, sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60, मान है वैसे वैसे रखो 2 की जगह, तो इसमें भी मान रखेंगे उसी तरह, sec 45 का मान कितना होता है √2 इसका स्क्वायर माइनस टेन, 60 का मान होता है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, ये दो ऐसे कैसे पड़ा है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, अपने को पता है 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 घटाना पड़ेगा तो माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, गुणा गुणा कराने पर माइनस आता है और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। एलएचएस क्या है ये है और आरएचएस क्या है ये है, तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर RHS, LHS बराबर RHS, HP मतलब hands pro, यानी जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। देखो LHS को हल करने पर भी माइनस 2 आ रहा है, RHS को भी हल करने पर माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो ये था आपका 20वां सवाल, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं 21वां सवाल। 21वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर 30 हो, 30 डिग्री हो, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, यानी x की जगह आपको 30 रख के इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको x का मान दे रखा है तो अपन आसानी से देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये रख दिया साइन 3, x की जगह कितना रखना है 30, इसका मतलब ये इसके साथ गुणा में है दोनों, ठीक है, बराबर। एक बार तो पहले x की जगह 30 रख दो, ठीक है, यहां लिख देंगे x बराबर 30 रखने पर, ठीक है, x बराबर 30 रखने पर 3 साइन x है x की जगह 30 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स की जगह 30। अब आपको करना क्या है, बस मान रख दो, इधर थोड़ा सा हल करेंगे तो साइन 30 को 3 से गुणा करते हैं तो 30 तीन कितना होता है 90। अब यहां इधर मान रख दो, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 1/2 और इसका क्यूब, क्यूब क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्यूब दिया हुआ था। अब आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1, क्या इसको हल करने पर 1 आएगा, देखते हैं। 3 को 2, इस 3 को 1 से गुणा किया तो 3/2 माइनस
यहां देखो चार गुना एक बट्टे दो का क्यूब करना है। एक बट्टे दो का मतलब एक गुना एक गुना एक, एक को एक से गुणा करेंगे तीन बार तो एक ही रहेगा। दो को तीन बार गुणा करेंगे, दो को दो से गुणा किया चार, चार को फिर दो से गुणा करना है तो कितना होता है आठ, यानी दो का क्यूब क्या होता है आठ। एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, ये इससे कट जाएगा चार एकम चार, चार दूनी आठ, इधर तो बराबर एक पड़ा है। तीन बट्टे दो माइनस एक को एक से गुणा किया एक बट्टे दो, लघुतम है एक जैसा तो संख्या वैसे वैसे लिख दो, तीन माइनस एक बराबर में एक, तीन में से एक जाता है तो कितना बचता है दो बट्टे दो, तीन में से एक गया दो बट्टे दो, दो बट्टे दो का मतलब क्या होता है एक, एक बराबर एक, यानी अपन लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी पहले में तो अपने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं है, आपको पहले साइन x जहां भी x दिख रहा है वहां पर 30 रख दो, 30 रखने के बाद में देखो किसी के गुणा में है, x के गुणा में कोई संख्या है तब तो आपको यहां हल करना पड़ेगा जैसे इसको हल किया, और किसी के गुणा में नहीं है तो फिर हल नहीं करेंगे, सीधा मान रखेंगे और फिर सारणी से देख के मान रखना है और इसको हल करते जाना है, लास्ट में ये बराबर आ जाएगा। इसी के तरह इसका दूसरा सवाल ये भी देखते हैं, ये दिया हुआ tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहां सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 30 रखने पर, आपको कहा हुआ है तो x बराबर 30 ही रखना है, तो ये हो जाएगा tan 2 गुणा 30, ये दो क्यों आया ये रहा, x की जगह 30 क्यों, आपने कहा x की जगह 30 रखना है, दो tan x की जगह 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मान रख दिया। अब आपको यहां पर गुणा कर दो, tan कितना हो जाएगा 2 को 30 से 30 दूनी कितना होता है 60, ठीक है बराबर उधर देखते हैं, दो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3, tan 30 का मान सारणी से देखेंगे 1 बटे अंडर रूट 3, यहां 1 फिर से tan 30 1 बटे अंडर रूट 3 लेकिन यहां पर स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर। अब tan 60 का मान सारणी से देखा तो अपने पास अंडर रूट 3, अब देखो क्या इसको हल करने पर अंडर रूट 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, सवाल में दिया है तो आएगा ही, तो देखो आपको 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करनी है 2 बटे अंडर रूट 3, बटे में देखो यहां पर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर इसका किया है स्क्वायर खोला है, यहां पर तो अंडर रूट 3 रहेगा, अब देखो यहां पर तो 2 बटे अंडर रूट 3 ऊपर तो पड़ा है, इसमें देखो नीचे क्या बचेगा, यहां पर, यहां पर ले लेते हैं लघुतम, लघुतम कितना आएगा 3, यहां 1 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 1, इसको हल किया तो ऊपर तो 2 बटे 3 का 3 पड़ा है 2 बटे अंडर रूट 3, बटे में क्या आएगा 1 को 3 से गुणा किया 3 माइनस 1 को 1 से किया 1 बटे 3, और इधर अंडर रूट 3 पड़ा है। देखो थोड़ा सा और हल करें तो अंडर रूट 3 बराबर, यहां देखो अपन 2 बटे अंडर रूट 3 ऊपर पड़ा है 2 बटे अंडर रूट 3, नीचे देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटे 3, इधर तो अंडर रूट 3 का 3 चल रहा है, अब यहां डबल बटे में संख्या है आगे, अब तो इसको उल्टा कर देंगे नीचे वाले को तो यह आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट सॉरी 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, अब इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, और बराबर में क्या बचा अंडर रूट 3, तो ये आ गया अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट के ये आ गया, ऐसा लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखो सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन सवाल बहुत आसान है ये, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है x की जगह 30 रखना है, तो देखो यहां x है यहां x है और यहां x, तीन जगह x है तो तीनों जगह देखो 30 30 रख दिया, यहां इसके साथ 2 भी गुणा में था तो 30 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 60, यहां पर अपने सारणी से देख के मान रखे ये हो गया sin tan 30 और ये भी tan 30 है, दोनों की जगह 1 बटे अंडर रूट 3 1 बटे नीचे वाले पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, सबसे पहले स्क्वायर खोलने के बाद में इसको क्या करना है लघुतम लेना है, लघुतम लेने के बाद में जो आंसर में आएगा 2 बटे 3, फिर डबल बटे में संख्या है तो इसको उल्टा गुणा करेंगे, फिर ऊपर जो 3 लिखा हुआ है इसको अपने पहले भी आपको मैंने कई बार बताया है जहां भी 3 लिखा हुआ है अगर बटे में अंडर रूट 3 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है अपने सुविधा अनुसार इसको लिख सकते हैं ताकि बट्टे वाला जो अंडर रूट 3 है वो 1 अंडर रूट 3 इससे कट जाएगा और बचेगा क्या अंडर रूट 3, ठीक है तो ये अपने देखो इसको कटने के बाद अंडर रूट 3, ये भी इधर भी अंडर रूट 3 था इधर भी अंडर रूट 3, तो इस तरह से आप इस सवाल को दोनों को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 21वें के अगले सवाल, तो 21वें का जो अगला तीसरा सवाल है वो दिया हुआ है sin x बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2x बटे 2, ये दिया हुआ है अब आपको इसको हल करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x बराबर 30 रखने पर, आपको दिया हुआ x की जगह क्या रखना है 30 रखना है, सवाल वही चल रहा है 21वां, x की जगह 30 रखेंगे तो देखो सवाल क्या बन जाएगा sin 30 बराबर यानी कि 1 माइनस cos 2 गुणा 30,
यहाँ 2 × 30 क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके गुणा में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। इधर अपने को पता है सारणी से क्या है, साइन 30, और यहां पर देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 1 − cos 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/2। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, अपने को पता है 1/2, इसको हल करके देखते हैं 1/2 आ रहा है क्या, देखो करते हैं हम, 1 − cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, इसको हल करते जाना है अपने को। इसका लघुतम लेंगे, यहां पर ऊपर लघुतम ले लेते हैं तो ये आएगा 2, ठीक है, यहां पर आएगा 2 − 1, ये देखो 2 इसके गुणा में जाएगा, यहां देखो 1/1 है, 2 इसके गुणा में जाएगा, 1 इसके गुणा में, और बट्टे में 2 पड़ा है, बराबर में 1/2 है। थोड़ा सा देखो डबल बट्टे में संख्या आएगी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान के ऊपर वाली संख्या बनाएंगे, ऊपर देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, और गुणा क्या हो जाएगा, 1/2, ये अंडर रूट के अंदर ही है, और यहां है 1/2, इसको थोड़ा सा गुणा करके हल कर लेते हैं तो बराबर में तो 1/2 पड़ा है, ये हो जाएगा अंडर रूट का 1/4। अपने को पता है ये 1/2 है, अंडर रूट का 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 2 का कितना, 4 का कितना होता है 2, 4 का कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। सिंपल सा देखो, अगर आपको लास्ट में यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, देखो यहाँ पर क्या किया, लघुतम लिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले भाग का लघुतम लिया है, इस ऊपर ऊपर वाले का, यानी 1 − 1/2 का, तो लघुतम आएगा 2, ठीक है, ये 2 इसके गुणा में जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 − 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो ऊपर बचेगा 1/2, बट्टे में दूसरे के बट्टे में सिर्फ 2 है, उसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 रखा, डबल बट्टे में संख्या ऊपर वाले के उल्टा गुणा में जाती है, 2/1 का क्या हो गया, 1/2, इसको आपस में गुणा किया तो 1/1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, अब 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर। इसी तरह इसका चौथा सवाल है वो भी कर लेते हैं, यहां पर भी लिखेंगे x = 30 रखने पर, x की जगह 30 रख देते हैं, cos 3 × 30 = 4, cos³ 30 − 3 cos 30। अब यहां 3 गुणा में क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था, इसको गुणा कर लेते हैं, 3 को गुणा करेंगे 30 से तो 90, 30 दिए 90, 4 cos³ 30 − 3 cos 30, मान रख देते हैं cos 90 का मान कितना होता है 0, सारणी से आप देखेंगे cos 90 का मान 0, तो क्या इसको हल करने पर 0 आएगा, देख लेते हैं हल करके, 4 cos 30 का मान कितना होता है cos 30, अंडर रूट 3/2, इसका करना है क्यूब, माइनस 3 × cos 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, क्या करते हैं इसका क्यूब कर लेते हैं, 4 गुणा देखो अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे, अंडर रूट 3 का क्यूब मैं बताता हूं देखो कैसे करना है, इसको 3 बार गुणा करना है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो ये 3 मिलके तो क्या हो जाएगा 3 और 1 अंडर रूट 3 बच जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 3 अंडर रूट 3 बट्टे 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, बट्टे में आ गया 8, माइनस 3 √3/2, ये से कटेगा कितनी बार 2 बार, बराबर में चल रहा है अपने 0, इसको देखो 3 √3/2 − 3 √3/2, एक जैसी संख्या एक प्लस की और एक माइनस की तो कट गया तो 0 = 0, तो लिख देंगे अतः LHS = RHS। सीधा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल पहले वाले देखो, सवाल जैसे पहला स्टार्ट किया था ना, सारे के सारे सवाल वैसे चल रहे, आपको सारणी से मान रखना होता है, मान रखने के बाद उसको हल करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर x की जगह पहले 30 रखना है तो 30 रख दिया, रखने के बाद में अपने सारणी से मान रखे इसके अंदर तो मान है, फिर उसका क्यूब किया या स्क्वायर करना होता है वो किया, और फिर उसको हल करते हैं तो बराबर में उत्तर आ जाता है। तो ये था इसका 21वें सवाल का तीसरा और चौथा सवाल। 21वें साल के बाद में अब देखते हैं अपना 22वां और अंतिम सवाल। ये क्या है, अपनी प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो आपको ये सिद्ध करना है, यानी a की जगह आपको 60 रखना है, b की जगह 30 रखना है। अभी तक जो सवाल कर रहे थे सिर्फ x का एक मान रखना था, इस बार उसकी जगह a और b दिया हुआ है, तो a जहां भी दिखेगा वहां 60 रखेंगे, b जहां भी दिखेगा वहां क्या रखना है 30 रखना है। तो देखो सवाल क्या दिया है, cot a माइनस b बराबर cot a cot b माइनस 1 cot b माइनस cot a, तो अपने को क्या करना है, यहां लिखेंगे a बराबर 60 तथा b बराबर 30 रखने पर, जो आपको सवाल में मान दिया वही रखने पर। तो देखो इसको रख के देखते हैं, आपको मान जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे रखते जाओ, तो cot
ए की जगह कितना रखना है 60 माइनस बी की जगह 30, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर कॉट ए, कॉट ए की जगह 60 और कॉट बी मतलब कॉट 30 माइनस 1 बटे मान आपको पहले देखो जहां ए दिखेगा वहां 60 रखना है, बी दिखेगा वहां 30 रखना है, तो ये अगर कॉट बी है तो ये रख देंगे बी की जगह 30 माइनस कॉट ए की जगह 60। तो अभी तक तो आपने ए और बी की जगह मान रखा है, ठीक है। अब अपन इसको हल करते हैं, देखो ये आ गया कॉट, अब यहां देखो 60 में से 30 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 60 में से 30 जाएंगे तो 30 ही बचेगा, ठीक है। इधर देखो इसके मान रख देते हैं 60 से, कॉट 60 का मान कितना होता है 1 बटे अंडर रूट 3 गुणा, ये इसके गुणा में ही है तो कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, सारणी से देख के मान रखने हैं, ठीक है। और माइनस में 1 बटे कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3 माइनस कॉट 60 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3, यहां से कॉट 30 का मान देखेंगे तो सारणी से आता है अंडर रूट 3, ठीक है। ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, सॉरी यहां पर प्लस 1 लिखा हुआ है, यहां बचेगा 1 प्लस 1 बटे, यहां पर कुछ नहीं है तो लघुतम ले लेते हैं अंडर रूट 3, देखो दोनों के बट्टे में है अंडर रूट 3 तो ले लिया अंडर रूट 3। यहां पर देखो ये इसके गुणा में जाएगा, अगर अलग अलग लघुतम होता है दो संख्या होती है तो ये इसके गुणा में भेज सकते हैं ये इसके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 गुणा 1, ठीक है। तो इसका इस तरफ देखो क्या बचाओ, ये ऊपर बचाओ 1 को 1 जोड़ा तो 2 बटे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, इधर तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 पड़ा रहने दो, बराबर यहां पर बचा हुआ है 2 बटे क्या बचा हुआ है, देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3, ये तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे पड़ा है, इस बटे में संख्या ऊपर वाली संख्या के गुणा में जाएगा उल्टा होके 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये क्या बचेगा अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, ये अपना क्या था LHS बराबर, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आपका छठा सवाल, देखो सवाल कैसे करना है आपको ध्यान रखना है, ए जहां भी दिखेगा ये देखो ए यहां पर ए और यहां पर ए, इन तीनों जगह अपने को 60 रखना है, देखो यहां 60 रखा, यहां पर 60 रखा और यहां पर 60 रखा, बी वाली जगह 30 रखना है, बी 1 2 और 3 जगह बी है, ये रहा बी, ये रहा बी और ये रहा बी। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, सारणी से मान रख देना है, यहां अपन घटा के उसके बाद रखेंगे, 60 में से 30 घटा सकते हैं तो 30 आएगा। अब अपने को सारणी से देख के मान रखना है और मान रखने के बाद में इसको सिंपली हल करना है तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये थी आपकी पूरी छठी प्रश्नावली, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पे आप उसको एकदम सही एग्जाम में करके आएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।